हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अलाउद्दीन। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ऐसे सीक्रेट कोड के बारे में जिसे आप नहीं जानते हैं। 100 के 100% आदमी नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे तो 99% आदमी जानते हो, 1% आदमी नहीं जानते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करें इस पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है दोस्तों वो भी दबा दें। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी न्यू वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप एक दिन में 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कोई 6 घंटा भी बात करता है, और कोई अपने जीएफ से बात करता है 4 घंटा 5 घंटा, या कोई अपने रिश्तेदार से भी बात करता है। आप बात करते हैं अपने जीएफ से, आपको कोई फ्रेंड कॉल करता है, या आपका पापा भी कॉल करता है, आपको कॉल करता है तो बिजी बताता है, आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन घुसता नहीं है, कॉल घुसता नहीं है, आपको पता नहीं चलता कि हमको कौन कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आप इस कैसे ठीक कर सकते हैं कोड डालकर। आपको सेटिंग में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे आदमी जानते भी नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉल लगाते उस पर टच करना है, आपको यहाँ पर डायल करना है, बंद जैसे बंद बंद करना है मुझे 43 हज। आपको जिस नंबर पे बंद करना है उस पर टच करना है, जैसे कि मैं एयरटेल पर करता हूँ। देखिए कॉल वेटिंग सर्विस हैज बीन डिसेबल, मतलब अब मेरा कॉल बंद हो चुका है, कॉल वेटिंग बंद हो चुका है। दोस्तों अगर अब हमको कोई कॉल करेगा, हम किसी से बात करें अपने जीएफ से या किसी रिश्तेदार से बात करिए, मेरा कोई फ्रेंड्स मुझे कॉल करेगा, मेरा मोबाइल में कॉल नहीं घुसेगा। इससे फिर से चालू कैसे करने आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ। इस फिर चालू करने के लिए *43 हज ये कोड आपको डायल करना है, फिर उसी सिम पर आपको फिर से टच करना है। देख कॉल वेटिंग सर्विस वॉज एनेबल हो चुका है दोस्तों, फिर से चालू हो सकेगा। अब मुझे कोई कॉल करेगा तो मेरे मोबाइल में कॉल घुस जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, आप बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। आप 100% नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है दोस्तों दबा दें। कमेंट करना ना भूलो दोस्तों वीडियो को। ये कोड किसी भी मोबाइल में यूज कर सकते हैं, एंड्रॉयड हो या कीबोर्ड मोबाइल हो या सैमसंग का कोई मोबाइल में, कीबोर्ड में नोकिया का कोई मोबाइल हो, किसी में ये कोड डायल करके आप ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।